नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। अभी पिछला जो वीडियो था हमारा बेसिक टू एडवांस वाले सीरीज का, उसमें मैंने बताया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। अभी आज हम लोग सेंटेंस के भेद को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं सेंटेंस के भेद को पढ़ने से पहले कि एक सेंटेंस जो है वो क्या क्या कर सकता है। देखो, एक सेंटेंस जो है आपको किसी चीज के बारे में जानकारी दे सकता है, किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। दूसरी बात, सेंटेंस और क्या कर सकता है, वो आपसे आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। मतलब सेंटेंस का यूज करके आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तीसरी बात यह होती है कि एक सेंटेंस जो है वो आपसे रिक्वेस्ट, मतलब उसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है, या फिर वो कमांड भी कर सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है, या फिर साथ ही साथ वो प्रपोज की भी भावना उसमें हो सकती है, प्रस्ताव भी हो सकता है और एडवाइस भी दिया जा सकता है एक सेंटेंस के द्वारा। तो अभी हम लोग जानेंगे कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, अगर एडवाइस हो, कमांड हो, तो फिर वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, अगर वैसा सेंटेंस जिसमें बस जनरल सा इंफॉर्मेशन हो तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, साथ ही साथ अगर कुछ एक्सप्रेस किया जा रहा हो, कोई इच्छा व्यक्त की जा रही हो, श्राप दिया जा रहा हो, तो फिर वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर हमारे दिमाग में कुछ फीलिंग्स आती है, कुछ सडन फीलिंग्स आती है, अचानक की कुछ भावना आती है, तो फिर वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा। तो इन सभी बातों को जानेंगे, मतलब कि हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस होता है 5 प्रकार का, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर, ये मार्कर ब्लू कर देता हूं, ठीक है। There are 5 kinds of sentence. Sentence के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, क्लियर है। अच्छा, एक सेंटेंस का और भी प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे क्लॉज के आधार पे जो होता है। तो अभी हम लोग बस सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन देता है, जो जानकारी देता है अर्थ के आधार पे, किस तरीके से अर्थ उससे निकलते हैं, उसके आधार पर भी हम सेंटेंस के भेद देख रहे हैं, क्लियर है। तो सेंटेंस एक होता है हमारा, मतलब कौन कौन से 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो एक होता है एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है, इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोला जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 5 तरीके के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। एक तीसरा सेंटेंस है हमारा, वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो चौथा है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो पांचवा हमारा सेंटेंस है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन, असर्टिव सेंटेंस होता है एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इन सबको जानेंगे हम लोग। अच्छा, जैसे नाउन की अगर हम आगे बात करेंगे, नाउन के लिए आगे बात करेंगे कि जैसे नाउन में 5 भेद होते हैं, और फिर उसको अभी जो है मॉडर्न नाउन में क्या कर दिया गया है कि उसके 3 भेद कर दिए गए हैं, आपको भी पता होगा ये चीज। तो वैसे ही अभी क्या किया गया है कि जो असर्टिव सेंटेंस है इसको स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इंटेरोगेटिव को क्वेश्चंस बोला जाता है, ठीक है, ये भी सेंटेंस के भेद ही है। और इंपेरेटिव और ये ऑप्टेटिव दोनों को मिलाकर के आपसे कमांड बोला जाता है, कमांड, ठीक है।
और ये एक्सक्लामेटरी जो है इसको बोला जाता है एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस के अगर कोई चार प्रकार भी आपसे बोलता है, अगर कोई सेंटेंस के चार प्रकार भी बोलता है तो आप घबराना मत, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड्स और एक्सक्लामेशंस, ये भी इसके प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इनके आधार पे, मतलब ये जो पांच मैंने बताया इसके आधार पे हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे सेंटेंस को, ठीक है। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस का प्रकार है कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस करता क्या है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा होती है, हमारे सामने बना हुआ है पेपर, एन असर्टिव सेंटेंस, एन असर्टिव सेंटेंस अ फॉर्म, एन असर्टिव सेंटेंस इज वन दैट अफर्म और अफर्म और निगेट्स, निगेट्स अ फैक्ट। मतलब एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये क्या करता है, ये किसी बात को या तो स्वीकार करता है या फिर उसको नकार देता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या करता है, या तो ये किसी बात को स्वीकार करता है या फिर उस बात को ये नकार देता है, ठीक है। तो जब ये स्वीकार करता है, देखो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आई लाइक दिस पेंटिंग, आई लाइक दिस पेंटिंग, तो ऐसा कहने पे मैंने क्या किया कि मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं पेंटिंग जो है, मैं इस पेंटिंग को पसंद करता हूं, ठीक है। तो ये मैंने स्वीकार किया, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि माई फादर हैज returned from Mumbai, मेरे पिताजी जो है वो मुंबई से रिटर्न हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने यहां पे अफर्मेशन बताया है, मैंने यहां पे सेंटेंस को स्वीकारात्मक रूप में लिया है। तो जब सेंटेंस को स्वीकार किया जाए या फिर उसको निगेट्स, मतलब उसको नकार दिया जाए, नकारेंगे कैसे, जैसे मैंने बोला कि she did not read carefully, मतलब कि उसने ध्यान से, मतलब ध्यान पूर्वक या फिर ध्यान से नहीं पढ़ा। तो यहां पे क्या हुआ, सेंटेंस को नकार दिया गया है, नहीं वाली भावना आ गई है, निगेटिव भावना आ गई है, ठीक है। तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें दो तरीके की भावना होती है, या तो अफर्मेशन होता है नहीं तो निगेशन होता है, ठीक है। तो यदि सेंटेंस को अफर्म किया जाए, स्वीकार किया जाए या फिर उसको नकार दिया जाए, तो वैसे सेंटेंस को बोलते हैं कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, क्लियर है। अच्छा, कुछ मतलब लोग लिखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, कुछ ग्रामेरियन लिखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है निगेटिव सेंटेंस। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी बताते हैं कि नहीं, अफर्मेटिव और निगेटिव की जहां तक बात है तो आप जो है इंपेरेटिव सेंटेंस को भी अफर्मेटिव निगेटिव में बदल सकते हो, असर्टिव को भी बदल सकते हो, तो ये इंट्रोगेटिव को भी बदल सकते हो, एक्सक्लामेशन को भी बदल सकते हो। तो ये आप स्पेशल नहीं बोल सकते कि ये असर्टिव सेंटेंस का ही दो प्रकार है, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं इस बात को, अफर्मेटिव और निगेटिव को, लेकिन अधिकांशता इसी के अंडर में अफर्मेटिव और निगेटिव की बातें आती है कि ये आई लाइक दिस पेंटिंग, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और ये नॉट चूंकि आया है इसमें तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन एक बात का आप और ध्यान रखना कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि
उसमें नो और नॉट आए। अगर नो और नॉट नहीं भी होगा तो भी निगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे यहां पे एक सेंटेंस है मेरे सामने कि दे नेवर कम इन टाइम, यहां पे है दे नेवर कम इन टाइम, मैंने ऐसे तिरछा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, दे नेवर कम इन टाइम। तो यहां पे मतलब क्या आया, मतलब ये आया कि वे जो है कभी भी, नेवर मतलब कभी नहीं, कम इन टाइम मतलब वो कभी भी समय पर नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहां पे नॉट नहीं है, फिर भी यहां पे नॉट का मतलब निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि नॉट होगा तो ही निगेटिव सेंटेंस होगा। एक और हमारा मतलब प्रोवर्ब है, बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अगर इसका मतलब वर्ड के हिसाब से मीनिंग देखे तो इसका मतलब होता है कि बार्किंग डॉग्स है ना, मतलब जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, ठीक है, भौंकने वाले कुत्ते जो है सेल्डम बाइट, कभी भी नहीं काटते हैं। मतलब कि अगर ये इसका वर्ड वाला मीनिंग हो गया, और ऐसे इसका मीनिंग होता है गर्जे सो बरसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गर्जे सो बरसे नहीं, तो यहाँ पे नॉट कहीं आया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉट का मतलब निकल रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये एक निगेटिव सेंटेंस है, आया समझ में। तो जरूरी नहीं है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये तो ऐसे पहचान में आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि निगेटिव सेंटेंस में नो और नॉट लगा हुआ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, क्लियर है। तो आप कह सकते हो कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, लेकिन कुछ ग्रामेरियन इसके मत में नहीं है, क्लियर है। दूसरी बात, अब आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो जैसा इसका नाम से ही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बोला जाता है। तो ये वैसे सेंटेंस होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। मतलब आप बोल सकते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, या फिर वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज योर नेम, एकदम सिंपल सी बात है, व्हाट इज योर नेम। तो यहां पे मैंने क्या बोला, मैंने आपसे आपका नाम पूछा है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो यहां पे ये एक क्वेश्चन है, यहां पे मतलब क्वेश्चन हो रहा है आपसे, तो इसलिए ये जो सेंटेंस हुआ आपका, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, तो इस वाले सेंटेंस में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, तो ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार है, इसके दो प्रकार हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है यस नो क्वेश्चन, और एक होता है WH क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, ठीक है। मतलब वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है उनको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि आर यू गोइंग टू मार्केट, कि क्या आप बाजार जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो तो आप यस बोलोगे, अगर आप नहीं जा रहे हो आप नो बोल दोगे, तो इसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही WH क्वेश्चन क्या होता है, ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, और ये WH वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है।
जैसे व्हाट इज योर नेम, मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो आप क्या मुझको यस बोलोगे? अब हो सकता है किसी का नाम यस हो, यस भी एक नाम है, लेकिन मैं इस यस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यस की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आप अपना नाम यस नहीं ना बोलोगे, या फिर आप अपना नाम नो तो नहीं बोलोगे, ऐसा आंसर तो आपका आएगा नहीं। आपका जो नाम होगा आप अपना नाम मुझे बताओगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि इसके आंसर के लिए आपको क्या यस या नो में आप जवाब नहीं दे सकते हो, आपको एक सेंटेंस यूज करना पड़ेगा या फिर कुछ वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? आप यस नो से काम नहीं चला सकते हो, तो ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है WH क्वेश्चन। और ये जो WH क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं, मतलब व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, ठीक है, व्हाट हो गया, व्हाट, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, ये सारे के सारे WH वर्ड है। इसके अलावा विच हो गया, बहुत सारे हैं, हाउ मेनी हो गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे WH वर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे एक और चीज, अगर यस नो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि वो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। यस नो क्वेश्चन जैसे वाज आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर था, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मैं एक डॉक्टर था, तो ये वाज से शुरू हुआ है, और वाज क्या है, ये एक एक्सिलरी वर्ब है, आर क्या है, ये एक एक्सिलरी वर्ब है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो यस नो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, और एक्सिलरी कितनी होती है, 24 एक्सिलरी होती है, पता है आपको ना, वर्ब का मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग वर्ब वाले वीडियो को देखो, वहां से आपको एक्सिलरी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस मैंने अभी कवर किया, एक असर्टिव एक इंट्रोगेटिव, अभी तीन सेंटेंस और बच रहे हैं, इंपेरेटिव ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, ये तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मेरा ये वीडियो, और फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।